इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रविवार को पिछले साल हमास के हमले में मारे गए लोगों की याद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके भाषण के बीच में उन्हें रोकते हुए शेम ऑन यू के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये कार्यक्रम टीवी पर लाइव प्रसारित किया जा रहा था। नारे लगाने वाले लोग हमास के हमले में मारे गए लोगों के परिवारजन हैं। दरअसल पिछले साल हुए हमास के हमले को ना रोक पाने के पीछे कई लोग नेतन्याहू को दोषी मानते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके परिवार वालों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रविवार को पिछले साल हमास के हमले में मारे गए लोगों की याद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके भाषण के बीच में उन्हें रोकते हुए शेम ऑन यू के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये कार्यक्रम टीवी पर लाइव प्रसारित किया जा रहा था। नारे लगाने वाले लोग हमास के हमले में मारे गए लोगों के परिवारजन हैं। दरअसल पिछले साल हुए हमास के हमले को ना रोक पाने के पीछे कई लोग नेतन्याहू को दोषी मानते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके परिवार वालों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है।